वन हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश्त ब्यूटी जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डी की गाइस आज फिर से आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो आप ये देख रहे हैं ना येलो येलो क्या नजर आ रहा है गैस कर सकते हैं आप लोग चलिए मैं बता देती हूँ आज मैंने आप सबके लिए बनाया है एग शैम्पू ये है एग शैम्पू अंडे का शैम्पू डी आई वाई होम मेड एग शैम्पू बनाया है जिसे मैं अब बॉटल में फिल करके और रख रही हूँ ठीक है ये जो एग शैम्पू है ना गाइज इतना सुपर डुपर अमेजिंग वाला बना है एंड इसकी जो बेनिफिट्स है ना वो तो आप यकीन नहीं करोगे इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं इस एक शैम्पू से एंड इसमें कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं बिल्कुल घर का एकदम प्योर फॉर्म में बढ़िया वाला शैम्पू मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है तो अब जल्दी से इस वीडियो को देख ली है आप लोगों ने तो इसको आज ही बना लीजिए जब भी टाइम मिले सारी चीज़ें लीजिए और जल्दी से बनाकर इसे यूज़ करिए रेगुलर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और हाँ इसमें फॉर्म भी होगा अब आप जो रेसिपीज की है ना पूरी वो आगे देख लेना बट मैं आपको अभी हैंड में लेकर थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि देख लीजिए हाथ में हल्के हल्के झाग हो रहे हैं ना फॉर्म बन रहा है इट मीन्स आप जब हेयर वॉश करोगे तो आपके बालों में ऑयल है ना वो सब निकल जाएगा ठीक है तो चलिए इसका मैं पूरा आगे बताऊँगी कैसे आपको इसको बनाना है और फिर मैं आपको के फायदे बताऊंगी आपके बालों में ये क्या काम करता है ठीक है तो अब हमें इसे बनाने के लिए क्या करना है मैंने सिर्फ अभी दो एग लिए हैं दो एग में ये जो आपने बॉटल देखी ना ये पूरी फिल हो गई थी एंड इसकी आधी बॉटल और बची थी तो मतलब इसमें तो आया नहीं तो मैंने किसी और बॉटल में डाल दिया उसको बाद में बट तो डेड बॉटल मेरा ये बन चुका था तो आई थिंक ये जो शैम्पू है ये आराम से ये समझ लो दस दिन चल जाएगा एक सप्ते या दस दिन तो इजीली चलने वाला है ठीक है तो चलिए अब देख लेते हैं आपको क्या करना है एक् को हमें हल्का सा इस पर क्रैक लगाना है और उसके बाद में सिर्फ येल्लो पार्ट लेना है आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि येल्लो वाले पार्ट को अलग कैसे किया जाता है तो आप अच्छे से देख लो येल्लो पार्ट को अलग करने के लिए आपको है ना बीच से इसको क्रैक करने के बाद इधर 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 इधर, 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 इधर येल्लो वाले पार्ट को डालना है और बीच में जो वाइट पार्ट है ना वो उसमें नीचे निकलता रहेगा ठीक है उसको नीचे डालते रहे और येल्लो को इस तरह से सेपरेट करना है ये बहुत ही ईजी है करना आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा ओके तो अब हम क्या करना है दो एग लिए हैं मैंने और दोनों एग को आपको इसी तरह से सेपरेट करना है अब मैं आपको इसके थोड़े से फायदे बता देती हूँ गायस जो अंडा है ना वो आपके बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है ना आपके बालों की जैसे हेयर फॉल हो रहा है डेंड्रफ हो रहा है आपके बाल हैं बढ़ नहीं रहे हैं लंबे नहीं हो रहे घने नहीं हो रहे इंचीनेस हो गई है एंड आपके बालों की जो जड़ें हैं वो दर्द करती है जब भी आप ऑयलिंग करते हो है ना आपके कभी रिसेंटली बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमारे बालों की जड़ें वो दर्द करती है तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना ये अकेला एक अंडा ही इसको सॉल्व कर सकता है पता है अंडे में इतनी ज़्यादा प्रोटीन विटामिन और ओमेगा थ्री होता है ये तीनों मिलकर आपके बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे ना तो आप खुद रिजल्ट देख पाओगे बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा एंड मुझे पता है कि मेरे काफ़ी जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो कि अंडा यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग प्लीज़ अगर अंडा यूज़ नहीं करते हो तो भी ये वीडियो देख लेना एंड जो अंडा यूज़ करता है ना जो खाता है उनको ये शेयर कर देना ठीक है आप लोगों के लिए मैं अलग से बहुत अच्छी वीडियो और लेकर आऊंगी ठीक है बट आप लोग जो खाते हैं उनके लिए तो अमेजिंग शैम्पू है ये अंडे का ठीक है तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट बता देती हूँ यहाँ पर आपने देखा मैंने एक ग्लास गरम पानी इसमें लिया है गरम यानी गुनगुना गुनगुना पानी मतलब कि बॉयल नहीं तेज़ गरम नहीं जैसे कि हम चाय पीते हैं ना उतना गर्म पानी मैंने यहाँ पर लिया है एंड फिर येलो वाला जो पार्ट है ना उसको मैंने इसमें डाल दिया और डालने के तुरंत आपको स्पून से इसको कंटिन्यू हिलाना है एकदम तेज़ी से हिलाना है जिससे कि ये पानी के अंदर येलो वाला पार्ट एकदम अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए ठीक है ये आपको अच्छे से प्रोसेस करना है पूरे जो येल्लो पार्ट है इसको अच्छे से है ना पूरा मिक्स कर लेंगे एंड इसमें पानी में डालते ही आपको मिक्स करना है ये चीज़ आप करिए और फिर इसमें जो बचा हुआ था ना चिपक जाता है इसमें बर्तन में वो मैंने सारा इसमें डाल के और निकाल लिया इसको आपको एक मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है मतलब हाथ से ही फेंट लीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ और यूज़ करना है टूल आप अपने हाथों से इसको इस तरह से ब्लैंड करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से ब्लैंड हो जाएगा ठीक है अब हम इसमें क्या इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे वो आप देखिए ये हमारा अंडा और वाटर गुनगुना पानी ये हमने दो चीज़ ली है ठीक है अभी आप जो देख रहे हैं ये आप आप भी है ना दस दिन का बना लेना अब एक साथ एक महीने दो महीने का नहीं बनाना कम कम क्वांटिटी में बनाइए दस दस दिन का चीज़ें बनाइए यूज़ करिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे फिर और बना लेना अब इसमें देखिए एक हमें शैम्पू ऐड करना है शैम्पू वो वाला जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड हो बिल्कुल उसमें केमिकल नहीं हो वो शैम्पू ऐड करना है ताकि हम जब ऑयलिंग करें तो हमारा ऑयल भी ये है ना पूरा निकल जाए इसी में ठीक है तो यहाँ मैं वाव का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ एंड इसके मैंने चार चम्मच भर के डाल दिया आप ये देख सकते हो वाव शैम्पू कितना ज़्यादा माइल्ड है इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ ये समझ लो मतलब तीन साल हो गए मुझे वाव का शैम्पू मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और यूज करती रहती हूँ इससे बहुत तेजी से बाल लंबे होते हैं अच्छे होते हैं ठीक है मैं आपको जस्ट बता रही हूं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप भी ले लेना वाव का आप मत लेना आपको जो सूट करता है आप जो यूज करते हो अच्छा जो भी है आप वो वाला इसमें ऐड कर लेना ठीक है अब मैंने एक चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाला है जिससे हमारे बालों की शाइनिंग बरकरार रहे हमारे बाल चमकते रहें और टैंगल फ्री रहें अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ऑलमंड ऑयल बादाम का तेल बादाम का तेल इसलिए ले रही हूँ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई e होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे बालों में चमक आती है और हम ऑयल इसमें थोड़ा सा इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे बालों का जो मॉइस्चर है ना वो बना रहे ठीक है ड्राइनेस नहीं आए इसके बाद में मैं फ्रेगरेंस के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेवेंडर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने लेवेंडर डाला है आप इसमें देखो ऑरेंज का डाल सकते हो टी ट्री का डाल सकते हो रोजमेरी का यूकेलिप्टस का आ, आ, लेमन ग्रास का आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल है उसके आप पाँच से छह ड्रॉप इसमें डाल देना क्योंकि हमें फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी चाहिए इसलिए तो यहां आपने देखा जो जो इंग्रीडियंट गाइज मैंने डाले हैं ना वो सारे इंग्रीडियंट आपके पास जरूर होंगे आप इसे इजिली बना लीजिएगा बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको आप इसे यूज करोगे ना आपको सच में आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे इस शैम्पू को यूज करके इतने सॉफ्ट हो जाएंगे एंड रेगुलर यूज करना रेगुलर यूज़ से आप खुद देख पाएंगे कि आपके एक ही हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज़ ये जो अंडा होता है ना एग ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है मजबूत करता है बालों की जड़ें मज़बूत होती है जिससे आपकी जड़ों में दर्द नहीं होगा और बाल बहुत तेज़ी से लंबा कर लम्बे करता है ये अंडा ठीक है तो आप लोग इसे ज़रूर ज़रूर स्टार्ट कर दो लगाना जेल ऑयल सब बनाकर लगा लो और अंडा खाना भी स्टार्ट कर दो बिकॉज़ सर्दियाँ अब आ चुकी है ठीक है तो अमेजिंग है ये रेमेडी अब देखिए आपके घर में बच्चे हैं आप बच्चों को भी ये यूज़ करवा देना लेकिन उसमें क्या करना एसेंशियल ऑयल मत डालना अगर जैसे मान लो चार साल के पाँच साल के छः साल के बच्चे हैं ना तो आप आराम से उनको यूज़ करा दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें एसेंशियल ऑयल नहीं डालने हैं एसेंशियल ऑयल आप कौन यूज़ करेगा जो कि दस ग्यारह साल बारह साल बारह साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं ना मतलब जो टीनेजर में आ जाती है गर्ल्स वो टीनेजर हैं वो एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दो चार ड्रॉप बस इतना ही ठीक है तो ये हमारा शैम्पू पूरा बन चुका है गाइस एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है आगे मैं आपको इसका डेमो भी दिखा रही हूँ डेमो मैंने अपनी सिस्टर के हेयर पे किया था क्योंकि मैंने उसी दिन हेयर वॉश किया मतलब कि मैंने ये कल आप बनाया ना तब मैं ऑलरेडी हेयर वॉश कर चुकी थी वो आंवला रीठा शिकाकाई वाला जो मैंने बनाया ना उससे मैंने कर लिया था तो फिर मैं डबल बार हेयर वॉश नहीं करती तो मैंने कहा चलो तुम एप्लीकेशन बता दो उसको ठीक है उसको मैंने बता दिया था तो उसने एप्लीकेशन की उसके बाल बहुत सिल्की हो गए आगे पूरा मैं आपको दिखाऊंगी एंड आप देखो अब मैं आपको दिखा रही हूँ हल्का हल्का इसमें फॉर्म बन रहा है भी हाथ में इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा बट आप उसमें देखोगे ना तो बहुत अच्छे से फॉर्मिंग भी हुई है एंड अमेजिंग बना है सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरा अंडा ऑयल यूज़ किया है कितने अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं एंड कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो न्यू हो आपको पता नहीं है तो देखो मैं एग ऑयल लेकर आई हूँ डी एग ऑयल जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं है रेमेडी वो मैंने आपके साथ शेयर ही शेयर की है एग जेल शेयर किया है जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगी एग पैक तो मैं बहुत सारे बना चुकी हूँ एंड अभी मैं आपके लिए एग शैम्पू भी लेकर आ गई हूँ मतलब मैं इतनी अच्छी अच्छी इतनी यूनिक रेमेडीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आप मेरी इतनी अमेजिंग रेमेडी होती है बिल्कुल सबसे हटके जितनी भी रेमेडी है ना वो होती है एंड फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट मिलते हैं आप लोग सब लोग करिए आपको एक बार में रिज़ल्ट मिलेगा अब बस ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में हंड्रेड रिज़ल्ट मिल जाए बट आप जब एक बार करोगे ना तो आपके बालों का डेफ़िनेटली टेक्स्चर चेंज हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे और दूसरी बार आप ज़रूर उसको करना चाहेंगे एंड यहाँ फॉर्मिंग देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है आपका सारा ऑयल भी निकल जाएगा इसे वीक में आप दो से तीन बार यूज़ करिए जब भी हेयर वॉश करें आप इससे करिए और आप है ना पंद्रह दिन बस करो और फिर आप मुझे रिजल्ट बताना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके बाल जितने भी ड्राइनेस है ना वो सब चला जाएगा और बाल बहुत तेज़ी से लंबे घने स्मूथ होंगे क्योंकि अंडा बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए क्योंकि भरपूर प्रोटीन होता है ना तो बहुत बेस्ट है हमारे बालों के लिए तो कंप्लीट हो गया है आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना शेयर करना सबके साथ शेयर कर दिए एंड बहुत सारे लाइक करके जाइएगा और मेरी हेयर केयर की सारी वीडियो देख लो गाइज बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी तो आप एक बार सारी लिस्ट चेक कर लीजिए ठीक है तो चलिए बाय बाय